अब हम आपको ये मशीन में धागा कैसे लगाना है वो बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे 5 धागे रख दीजिए। ये हमने रख दिए। अभी आपको धागे में से धागा कैसे रखना है वो बताएंगे। धागे को सबसे पहले इसमें से पसार करना है आपको, बाद में आपको ये हॉल में लेना है। सबसे पहले 5 धागों को वैसे ही आप धागा स्टैंड से ले लीजिए। नए मशीन में धागे डाले हुए आते हैं, हम आपको ये धागा कैसे डालना है वो भी बताएंगे। मशीन का उपयोग आप गारमेंट, एसेसरी, होजियरी, अंडरगारमेंट और जो बिना नेक की टी शर्ट आती है उसके लिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा आप कोई भी ड्रेस में इलास्टिक ज्वाइंट करने के लिए ये मशीन का उपयोग कर सकते हैं। ये होजियरी मशीन कहलाता है, गारमेंट मशीनरी भी उसको कहा जाता है। ये 5 धागे हमने उसमें से ले लिए हुए हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 हैं और यहाँ पे 2 हैं। अब यहाँ पे कैसे धागे आपको लेने हैं वो बताएंगे। पहले ये धागा लीजिए, ये कंपनी से आपको 5 धागे थ्रेडिंग होके आए हुए हैं। हम पहले उसके साथ ही ले लेंगे, आपको बारी बारी बताएंगे एक के बाद एक कैसे धागा जाता है। सबसे पहले हम ये एक जो पहले नंबर वाला धागा है उसको इसके साथ गांठ बांध देंगे और कैसे धागा लेना है वो भी हम आपको बताते हैं। हमने जो धागा लिया हुआ है उसके बाद में सबसे पहले धागा इधर आएगा, ये होल में से आपको पसार करना है। हम एक धीरे धीरे खींचते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा। इसके बाद में आपको ये टेंशन में लेना है, ये देखिए ये टेंशन में से लेके आपका धागा यहाँ ये ऑयल ट्रे में आएगा। देखिए हम धीरे धीरे ये धागा खींच रहे हैं। ये ऑयल ट्रे में 3 होल दिए हुए हैं, यहाँ से पसार होके आपको यहाँ लेना है। उसके बाद में ये धागे यहाँ एक कांडी में आएंगे। देखिए इसके बाद में आपको धागे लेने हैं यहाँ टेकअप लीवर में। इसके बाद में ये धागा आएगा ये निडल बार के ऊपर जो गाइड है उसके अंदर। उसके बाद में धागा आपको खींच के यहाँ लेना है ये गाइड के अंदर। इसके बाद में धागा आएगा, अभी आपको निडल में धागा डालना है। ऐसे ही आप
तीनों निडल में धागा डाल सकते हैं, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये गाइड से पसार करना है, बाद में ये दो टेंशन में जाएगा, उसके बाद में आपके ये जो दो गाइड दिए हुए हैं उसमें से आपको पसार करना है, बाद में यहाँ से लेना है, उसके बाद में आपको यहाँ से लेना है, उसके बाद में आपको ये यहाँ निडल बार के ऊपर जो होल है वहाँ पे रखना है, उसके बाद में धागा यहाँ पे आएगा और बाद में आपकी निडल में धागा चला जाएगा। तीनों धागे को ऐसे बारी बारी लेना है। इसके बाद में आपको हम लूपर में कैसे धागा डालते हैं वो भी बताएंगे। वापिस आप सीक्वेंस समझ लीजिए, यहाँ से धागा आके इसमें आएगा, इसमें से आपको इसमें डालना है, इसमें से आपको इसमें डालना है, बाद में टेंशन के जो दो दिए हुए है खांचे गाइड दी हुई है उसमें जाएगा, बाद में यहाँ जो दो गाइड है उसमें, यहाँ जो ऑयल है उसमें, यहाँ पे तीन होल वाली गाइड दी हुई है उसमें जाएगा, उसके बाद में ये जो तीन कांडी दी हुई है उसके अंदर होगा, उसके बाद में यहाँ पे जो टेकअप लीवर जैसी गाइड चल रही है उसमें से आपको धागा पसार करना है, उसके बाद में निडल बार के ऊपर जो गाइड है उसमें से आपको लेना है, तीनों सुई के धागे वैसे ही लेने हैं, उसके बाद में ये जो गाइड दी गई है वहाँ से लेना है और बारी बारी आपको तीनों निडल में धागा डाल देना है। आपको धागा सुई के सामने से ही डालना है, ये देखिए अब एक चौथा धागा है। चौथा धागा जो है वो अगर आपको दोनों साइड पे चेन करनी हो तो ही डालना है, अगर आपको एक साइड पे चेन और एक साइड पे सिलाई डालनी है तो वो चौथा धागा डालने की ज़रूरत नहीं है। चौथा धागा डालने से आपको दोनों साइड पे चेन आएगी, देखिए आगे भी चेन होगी और पीछे भी चेन होगी। अगर आपको एक साइड पे सिलाई चाहिए तो आपको वो धागा डालने की ज़रूरत नहीं है, और आपको समझ लो एक साइड दोनों साइड पे चेन चाहिए तो ही ये धागा डालना है, वो धागा भी वैसे ही आपको पसार करना है। खाली हम आपको बता देते हैं हमने धागा वो डाला नहीं है, हमको सिलाई का कर सेटिंग करना है। इसके लिए ये आपके चौथे टेंशन से पसार होगा, चौथे टेंशन से पसार होके इसके नीचे अभी ये ऑयल की टांकी के नीचे एक और गाइड है यहाँ पे डालना है, यहाँ से धागा यहाँ जाएगा, ये पूरी गाइड है, और बाद में आपका ये जो धागा है यहाँ पे जाएगा। चौथा धागा जो है यहाँ गाइड में जाएगा, उससे आपका डायरेक्ट यहाँ एक छोटा टेंशन गाइड और दिया गया है उसमें से पसार होके आपको ये धागा ये लूपर के पास छोड़ देना है। ये धागा यहाँ से ऐसे रख देना है, ये ब्लाइंड लूपर है, ब्लाइंड लूपर में आपको ये गाइड से लेके धागा यहाँ उसके खांचे में छोड़ देना है, उससे आपकी चेन बनती रहती है। हमको सिंपल करना है इसलिए हमने ये धागा नहीं डाला हुआ है, ये देखिए। ये पूरा हम आपको सीक्वेंस बता देते हैं चौथे धागे के लिए, यहाँ से ये हम अभी उसको रिवर्स ले रहे हैं, यहाँ पे जो गाइड है उसमें से आपको पसार करना है। यहाँ से लेके यहाँ पे, यहाँ पे से लेके यहाँ पे, और यहाँ टेंशन से लेके चौथा धागा यहाँ पे है। अभी हम लूपर में धागा डालेंगे, लूपर का धागा पांचवा धागा जो है वो आपको यहाँ से लेके पांचवे टेंशन से लेना है, पांचवे टेंशन से आपको धागा यहाँ डालना है। हमने यहाँ तक धागा ले लिया हुआ है, फिर आपको
ये जो गाइड है उसमें धागा डालना है, वो गाइड बाहर निकलती है, ये प्रेस करना है आपको, ये बाहर आ जाएगा। अब आप धागा डाल लीजिए। सबसे पहले ये जो उंगली रखी है वो गाइड में डालिए, फिर आपको यहाँ जो गाइड है, दो होल वाली एक गाइड दी हुई है, ये देखिए, वो गाइड में से धागा डालना है। उसके लिए आपको चिमटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। यहाँ पे दो गाइड दी हुई है, देखिए, एक गाइड इस साइड पे है और एक गाइड इस साइड पे है। देखिए, ये गाइड एक यहाँ पे है और एक सामने की साइड पे है। वो गाइड से धागा निकाल के आपको डायरेक्ट अभी लूपर में डालना है। लूपर में कैसे धागा डालना है वो भी बताते हैं। लूपर में यहाँ पीछे एक होल है, वहाँ से लेके आप लूपर में ये इसके अंदर डाल दीजिए। यहाँ से डालना है और ये होल से वापस आपको पीछे की साइड पे ले लेना है। ये हमारे लूपर में धागा थ्रेडिंग हो गया हुआ है। तो आपको पूरी थ्रेडिंग सिस्टम हमने बता दी हुई है। बाद में इसको प्रेस करके आपको अंदर दबा देना है, वो भूलना मत, नहीं तो आपकी मशीन चलेगी नहीं। ये जो मैकेनिज्म है, धागा डाल के आपको वापस अंदर प्रेस कर देना है। अभी वापस खोल के और प्रेस करके बताते हैं। हाँ, उसको वापस आपको दबा देना है, ध्यान रखिएगा, तो ही ये मशीन धागा थ्रेडिंग सही कर पाएगी। अब हम आपको ये मशीन चालू करके बताते हैं। तीनों नीडल के धागे आप पीछे ले लीजिए, पैर उठा के। इसमें हमने धागे डाल दिए है, अब हम आपको मशीन चालू करके बताएंगे, कंप्लीट करके बताएंगे। ये मशीन को आप चला के देख सकते हैं। देखिए, ये तीन सिलाई है, ये हमने तीन सिलाई ली हुई है। पीछे की साइड हम बताते हैं, पीछे की साइड पे नेट आएगी, ये देखिए, ये हमारा मशीन कंप्लीट चल रहा है। पीछे की साइड पे आपको तीन सिलाई देखने को मिलेगी और एक साइड पे नेट। तो ये हमारा मशीन आपको कंप्लीट हमने असेंबलिंग के साथ थ्रेड गाइड, थ्रेडिंग कैसे करना है वो भी बता दिया हुआ है। ये जीटेक की हमारी मशीन है, जीटेक 500। पूरा आपको थ्रेड गाइड, असेंबलिंग, मोटर फिटिंग के साथ में आपको धागा डाल के बताया हुआ है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो हम आपके लिए और लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। हमारे वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहेगी।